कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। करीब दो दिन बाद 31 अक्टूबर को एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल एक्टर की एक बेटी वंदिता अमेरिका में रह रही थी, जिसके चलते वो शनिवार देर शाम को अपने घर पहुंची। वंदिता को दिल्ली से बैंगलोर तक पहुंचने के लिए स्टेट अथॉरिटी ने एक स्पेशल विमान की व्यवस्था की थी। ऐसे में सुबह करीब 9 बजे पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार किया गया। जी हां, सोशल मीडिया पर अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुए, जो हर किसी को बहुत भावुक कर रहे हैं। पुनीत राजकुमार की पत्नी और बेटियों कि हाल बहुत ख़राब है और उन्हें संभालना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। पिता का पार्थिव शरीर देख एक्टर की बेटियों का सिसक सिसक कर हालत उनकी ख़राब हो गई। वहीं एक्टर की पत्नी अश्विनी रेवंत भी पति को आखिरी बार देखकर फूट फूट पर रोती हुई नजर आई। जी हां, पुनीत राजकुमार अपने पीछे अपनी पत्नी अश्विनी रेवंत और अपनी दो बेटियों को छोड़ गए। पुनीत राजकुमार और अश्विनी रेवंत की शादी 1999 में हुई थी। पुनीत राजकुमार और अश्विनी रेवंत एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। अश्विनी को देखते हुए पुनीत राजकुमार अपना दिल हार बैठे। पुनीत राजकुमार और अश्विनी रेवंत के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई। साथ ही दोनों को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पुनीत राजकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी शादी की बात घर वालों के सामने रखते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने डर डर कर घर वालों को अश्विनी रेवंत से शादी की इच्छा के बारे में बताया। पुनीत राजकुमार का परिवार दोनों की शादी के लिए मान गया और 1 दिसंबर 1999 के दिन दोनों की ग्रैंड वेडिंग हुई थी, लेकिन अब पुनीत राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन लाइव से सरबी की रिपोर्ट।